दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ वीक पहले मैंने, शायद पिछले वीक ही, मैंने एक दो वीक पहले मैंने वाओ के दो सप्लीमेंट मंगाए थे, वाओ का ओमेगा 3 और वाओ का बायोटीन। और उसकी इसकी मैं अनबॉक्सिंग डाल चुका हूँ वीडियो की, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। लोगों ने कहा था कि वाओ के प्रोडक्ट इतने फेमस है, तो प्लीज़ आप बताइए यूज़ कर सकते हैं नहीं। दूसरा, ये इसलिए इतना फेमस है क्योंकि इसके बहुत सारे अमेज़ॉन पे रिव्यू आप खुद ही देखेंगे, अमेज़ॉन की साइट पे जाके या फ्लिपकार्ट के साइट पे जाके इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तीसरा कारण ये है कि इसका रेट 700-800 रुपए का आता है, इतना महंगा है, केवल 60 कैप्सूल के, फिर भी क्यों इतना बिक रहा है? मतलब मार्केट में आप ऑन का देखेंगे, मसल ब्लेस का देखेंगे, सीकॉड लिवर ऑयल देखेंगे, जो कि आपने देखा होगा बहुत सस्ता है, करीबन 100-150 रुपये का आता है, उससे ज़्यादा ये बिक रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? तो वो पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें। दिस इज अभिषेक चौहान, वेलकम टू केयर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस। तो सबसे पहले आपको बता दूं ओमेगा 3 के कुछ बेनिफिट, मतलब मैंने ओमेगा 3 की वीडियो स्पेशल डाल चुका हूँ बहुत बड़ी, जो इसमें मसल बेस बताया था, आप आई पे क्लिक करके देख सकते हैं। इन शॉर्ट जल्दी जल्दी बता दूं इसकी बहुत सारे क्या क्या बेनिफिट है। देखिए, हम जानते हैं कि हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं ओमेगा 3 के बॉडी और हमारे ब्रेन के लिए, जैसे कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। हार्ट जैसे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस कम रहते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जिससे हार्ट अटैक आ सकता है उसके लेवल को भी कम करता है, HDL कोलेस्ट्रॉल, जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, लो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे जो वेंस रहती है वो चोक हो जाती है और उससे भी हार्ट अटैक आते हैं। साथ में जो जॉइंट स्टिफनेस, जो भी अकड़ान वगैरह आती है, पेन होती है बोन के लिए, बहुत अच्छा है। रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो भी सूजन होती है, कई बार क्या होती है कि बहुत लंबी सूजन होती है, मतलब लंबे समय तक कहते हैं जिसको लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन रहते हैं बिना इन्फेक्शन के, तो उसको भी हटाता है। ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अस्थमा बहुत लोगों को आजकल बढ़ रहा है और डॉक्टर के पास गए होंगे, जाहिर सी बात है वही कहता अस्थमा पेशेंट को कि मछली खाइए, फिश खाइए, क्योंकि फिश में क्या होता है ओमेगा 3, और ओमेगा 3 बहुत अच्छा रहता है अस्थमा के लिए, क्योंकि क्या होता है कि जो आपकी जो वेंस रहती है वो इन्फ्लेमेशन सूजन आ जाती है, जो एयरवेज रहती है उसके कारण खांसी चलती है और फिर अस्थमेटिक अटैक भी आ सकता है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, लोग उल्टा सीधा खाते हैं, तो उसके लिए भी फैटी लीवर को बहुत अच्छे से सही करता है। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ वो आई के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें DHA की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए DHA की मात्रा जो बहुत ज़्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि विजन अच्छा होता है। तो ये इसके कुछ बेनिफिट है। अब बात करता हूँ वाओ सप्लीमेंट के, तो इस तरह का पैकेट आता है ये, जो जिसमें लिखा ओमेगा 3 बहुत बड़े अक्षरों में, बेस्ट क्वालिटी नेचुरल न्यूट्रिशन फॉर योर वेलनेस, हेल्दी हार्ट, हेल्दी जॉइंट्स, हेल्दी बॉडी, और पावर्ड बाय हाई बायो अवेलेबिलिटी ऑफ EPA, DHA एंड अदर ओमेगा 3s, हेल्प बूस्ट हार्ट हेल्थ, और जैसे कि मैंने बताया ट्राइग्लिसराइड के लेवल को कम करता है, जॉइंट स्टिफनेस, पेन, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, और कायनन 3:2 का इसमें हाई एफिशिएंटी रेशियो है, मतलब EPA 3 है और DHA 2 के रेशियो से है, 60 कैप्सूल है। और हम देखें साथ में तो पीछे इनकी कुछ फालतू चीज़ें लिखी है, साइड में इसकी जो प्राइस लिखी है वो 899 है, वो क्यों ज़्यादा है मैं बताता हूँ। और ये नॉन वेज है जाहिर सी बात है, और इस तरह का मैं इसको खोलूँ तो इस तरह का ये पैकेट आता है, जिसमें ओमेगा 3 जो बाहर लिखा है सेम अंदर ही लिखा है, और आप अंदर देखेंगे तो इसके अंदर इस तरह के कैप्सूल आएंगे। नॉर्मल दूसरे जो ओमेगा 3 के कैप्सूल आते हैं सेम साइज़ है, सेम कलर है, कलर कम ज़्यादा हो सकता है, ऑन का थोड़ा डार्क आता है, माई प्रोटीन का थोड़ा कम आता है, वो हर बार अलग अलग हो सकता है फिश के क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो इस तरह का आता है। अब देखें हम इसके इंग्रेडिएंट के, इंग्रेडिएंट में देखें सबसे पहले तो एक कैप्सूल सर्विंग पर कंटेनर 60 है, मतलब इसमें 60 और साथ में एक में हम ओमेगा 3 की बात करें जाए तो EPA जो रहता है वो 1000 mg का एक कैप्सूल है, EPA जो है 550 है, DHA 350, अदर ओमेगा 3 फैटी एसिड 100 mg है, और इसके साथ साथ इसके अंदर नो एडिट फिलर्स है, ब्लेंडर्स है, फ्लेवरिंग है, एडिटिव्स है, प्रिजर्वेटिव्स और मरकरी कुछ भी नहीं मिला, और साथ में बॉक्स में भी लिखा है इसमें 100% नेचुरल, 100% ग्लूटेन फ्री, ठीक है। अब इसकी बात करें कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, आपने गौर करा होगा जो दूसरे इंग्रेडिएंट, दूसरे जो ब्रांड आते हैं, जैसे कि आप देखें तो मेरे पास यहाँ दो और है, वो है सबसे पहले माई प्रोटीन का है जो कि ख़त्म होने आ गया है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा मैंने भी मसल ब्लेस का खाया, उसमें भी बाहर 1000 mg लिखा है। इसका प्राइस कम है, इसका प्राइस भी कम है, लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा क्यों है? देखिए मैं आपको बता दूँ, इसलिए इसका ज़्यादा है क्योंकि एक सर्विंग में नॉर्मल ऑन हो या आप मसल ब्लेस का या माय प्रोटीन का है, 300 mg आता है EPA प्लस DHA, और इसके अंदर आ रहा है 900 mg, मतलब आप तीन कैप्सूल खाए इनके, इनके या ऑन के, या फिर एक कैप्सूल खाए इनका,
तो उसके बराबर होता है, इसलिए ये ज़्यादा इसका प्राइस है, क्योंकि ये तीन कैप्सूल के बराबर एक कैप्सूल है। एक कैप्सूल में इतनी एम जी है, 900 mg के आसपास, और 100 mg अलग है। ये पूरा 1000 कहा है, तो इनमें 1000 mg है। इन्होंने फिश ऑयल में लिखा है इन्होंने 1000 mg, लेकिन देखे आप अंतरेट तो 180 mg और 120 mg ही EPA DHA क्वान्टिटी। उसी तरह ऑन में भी और माय प्रोटीन में भी है। मैं सिकॉड लिवर ऑयल की तो बात नहीं करूँगा, उसमें तो शायद 150-190 के आसपास ही होता है, और वो तो और भी सस्ता होता है, क्योंकि वो क्वांटिटी उसमें बहुत ज़्यादा कम रहती है, इनसे भी आधी रहती है, करीबन 70-80% ही रहती है, इसलिए ये इतना महंगा। और दूसरा इतना फेमस है, आप जाएंगे जब अमेजोन के साइट पे, तो इन्होंने अपनी रिसर्च रिपोर्ट भी रखी है। रिसर्च रिपोर्ट मतलब इन्होंने इसका कैप्सूल का टेस्ट करा है और इसकी बायो अवेलेबिलिटी बताई कि EPA DHA की क्वांटिटी कितनी है उस टेस्ट में। तो पता लगा है कि जो क्वांटिटी है वो बहुत अच्छी है और इन्होंने सही लिखा है, इसलिए इतना बिकता है। अब बात आती है इसके डोसेज की। जनरल डोसेज की बात करूं मैं, तो देखिए अभी तक कोई वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे FDA ने इसकी कोई मतलब डेली डोसेज की लिमिट तय नहीं की है, लेकिन कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड जो कहती है 300 से 550 mg एडल्ट मेल फीमेल को लेना चाहिए। मैं बात करूँ 300 mg की, इसलिए लगभग सब 300 mg बनाती है, 300 mg बनाती है, इसलिए आप 300 mg ले सकते हैं। लेकिन जो एक जिम जाते हैं, जिस तरह के मैं जाता हूँ, जाहिर सी बात है कि मेरा ख़त्म होने आ गए थे और ये तो ख़त्म हो गए थे, मैं इस माय प्रोटीन के जो रहता हूँ, जाहिर सी बात है मैं 3 कैप्सूल रहता हूँ, और उसी तरह मैं फिश ऑयल के भी मसल ब्लेस के भी 3 लेता था, तो मेरे ख़त्म होने आ गए थे, तो मैं 3 लेता था, मतलब मुझे 1000 mg चाहिए, तो 3 लेता था 900 mg के आसपास, तो उसकी जगह मैं 1 ही लूँ ना, जाहिर सी बात है। यही कारण है इसकी प्राइस ज़्यादा होने का। ओवरऑल देखा जाए तो क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस भी ज़्यादा है, अगर मतलब कंटेंट ज़्यादा, और अगर क्वांटिटी कम है अंदर, पर सर्विंग कंटेंट कम है, तो प्राइस भी कम होगा। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं इसको, तो आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा ब्रांड है। टेस्ट रिपोर्ट डाली इन्होंने, प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो वो है क्वांटिटी वो ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा बिक रहा है, यही कारण है, और यही कारण है मैंने मंगाया और मैं इसलिए खाता हूँ इसे। टेस्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबका टेस्ट एक जैसा ही लगता है, वो तो रिजल्ट में फ़र्क पड़ता है। आप अच्छे आप और एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है इससे, ब्रेन की, ओवरऑल बॉडी की। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो मैं नीचे लिंक दिया, वहाँ जाके क्लिक करके खरीद सकते हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है। तो मेरी तरफ से कहे तो प्राइस के अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि इसका कंटेंट के अकॉर्डिंग भी सही है, और पैकिंग भी इसकी सही है, इतनी कोई थर्ड क्लास पैकिंग नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, तो आप इसको ले सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मुझे इंस्टाग्राम live.abhishek पे फॉलो करें, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इस वीडियो के रिकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है, किस तरह से करना है, कैसे करना है, वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है। अगली हेल्दी और वेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।